हेलो व्यूवर्स, आपका ई वेलकम है आपके अपने इंडस्ट्रियल नॉलेज नामक चैनल में। तो आपने आज तक क्यूए क्यूसी क्या है ऐसा सुना होगा, तो आइए आज हम आपको बताएंगे अपने इस सेशन में कि क्या होता है क्यूए और क्यूसी, और हम क्यूए क्यूसी कैसे डिफरेंस है, दोनों किस तरह से काम करता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग के 3 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को और फ्रेशर्स को मेनली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ द क्यू ए क्यू सी, ये किस तरह से काम किया जाता है। तो आज हमारा जो सेशन है वो इसी पर बेस्ड है कि व्हाट इज़ ए क्यू ए और व्हाट इज़ ए क्यू सी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम जानते हैं क्यू ए क्यू सी के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि आज के अपने इस सेशन में हम क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे कि क्वालिटी क्या होती है, क्यू ए क्या है, क्यू सी क्या है, क्या हिस्ट्री है क्यू ए क्यू सी की, फोकस क्यूए किस पे करता है, फोकस क्यूसी किस पे करता है, क्या गोल होता है क्यूए का, क्या गोल होता है क्यूसी का, क्या एक्टिविटीज़ होती है क्यूए और क्यूसी की, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों एक दूसरे से किस तरह से लिंक हैं, आज के हम अपने इस सेशन में हम ये जानेंगे। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्यूए, सॉरी व्हाट इज़ ए क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है, क्या है क्वालिटी? तो क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी प्रोडक्ट की कस्टमर की नीड को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को, उसके रिक्वायरमेंट को मीट करना विदाउट एनी डिफेक्ट, इट इज़ ए क्वालिटी। यानी कि जैसे कि अगर हम कोई पेन बना रहे हैं तो पेन कस्टमर को किस तरह का चाहिए, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या चाहता है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पेन की डिज़ाइन करते हैं। और जब हम पेन बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, तो इस चीज़ को इंश्योर करना ही क्वालिटी होता है। कस्टमर की नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और उस पार्ट में करो उस चीज़ में कोई भी डिफेक्ट ना हो, ये होती है क्वालिटी। अभी तक हम क्यू ए कर रहे थे, क्यू सी कर रहे, तो आखिर क्यू ए और क्यू सी क्या है ये जानेंगे अब। क्यू ए है क्वालिटी अश्योरेंस। क्या कहता है ये क्या होता है? ये एक एक्टिविटीज़ का सेट होता है जो कि प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी को इंश्योर करता है। कैसे? जिन प्रोसेसेस से प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उन प्रोसेसेस की क्वालिटी को डेवलप करके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डेवलप करते हैं, ऐसा क्यूए का मतलब होता है। क्यूसी का क्या मतलब होता है? ये उन एक्टिविटी का सेट होता है जो कि फाइनल प्रोडक्ट में इशू ना आए, इस पर फोकस करता है। और ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि बने हुए प्रोडक्ट में खामियां ढूंढे या कुछ डिफेक्ट्स ढूंढे, उसे हम क्यूसी कहते हैं। तो अब आपने समझ में आ गया होगा कि आपने सुना होगा कहीं क्यूसी, क्यूसी और क्यूए सुना होगा कंपनियों में। तो क्यूए की पार्ट को बनने से पहले के प्रोसेसेस को डिफेक्ट फ्री कर रखे ताकि हमारा प्रॉब्लम लेस पार्ट, प्रॉब्लम रहित पार्ट बने, ये चीज़ क्यूए करता है। बने हुए पार्ट को चेक करें और उस पर कोई भी डिफेक्ट ना हो, ये इंश्योर करता है क्यूसी। इसकी हिस्ट्री क्या है? 1950s में क्यूए प्रोफेशन का क्वालिटी प्रोफेशन का एक्सपेंड हुआ था, जिसमें कि क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी ऑडिट फंक्शंस को ऐड किया गया था। क्यूसी हुआ था 1920 में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था और मास प्रोडक्शन राइज हुआ था। उस समय ये इम्पॉर्टेंट हो गया था कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसकी कंट्रोल हो, वो कंट्रोल हो और बेटर डिफाइन क्वालिटी हो, तो उस समय ये क्यूसी आया था। देखिए क्यूसी पहले आया था बट वो बाद में एप्लीकेबल होता है, क्यूए बाद में आया था वो पहले एप्लीकेबल होता है। तो फोकस क्या क्या होता है इसका, क्यूए क्यूसी का? क्यूए का जो फोकस होता है वो डिफेक्ट प्रिवेंट करने में है कि डिफेक्ट ही ना जनरेट हो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूरिंग मेकिंग और प्रोसेस यूज टू मेक द प्रोडक्ट। जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं
उस प्रोसेस में कोई भी डिफेक्ट जनरेट ना हो, ये काम होता है हमारे क्यूए का। क्यूसी का क्या होता है कि जो पार्ट बन गया है उसको चेक करे, उसमें आइडेंटिफाई करे और जो डिफेक्ट बन गया है उस डिफेक्ट को खत्म करे। ये फोकस होता है दोनों का। गोल क्या होता है? क्यूए का गोल होता है इम्प्रूव करे डेवलपमेंट को कि डिफेक्ट ही उत्पन्न ना हो। और क्यूसी क्या करता है? क्यूसी करता है कि डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करे प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद और रिलीज होने, मार्केट में रिलीज होने से पहले, और उसको खत्म करे। ये एक वर्क होता है क्यूसी का। एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? क्यूए की एक्टिविटीज होती है ऑडिट करे, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स करे, डेवलपिंग एक्सीड करे, कंडक्टिंग ऑडिट करे, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ताकि कि इशू ही ना जनरेट आए। क्यूसी क्या करता है? बने हुए प्रोडक्ट में टेस्टिंग करे और उसका इंस्पेक्शन करे ताकि कोई भी पार्ट क्यूसी से आगे ना निकले, जिसमें जो मार्केट में ना निकले जिसमें कि फेलियर हो जाए। तो यानी अगर हम इन शॉर्ट समझें तो क्यूए प्रोसेस, जिन प्रोसेसेस से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको चेक करे कि उसमें से कोई चांसेस ना हो कि प्रोडक्ट एनजी बने या नॉट गुड बने, डिफेक्ट डिफेक्ट वाला कोई प्रोडक्ट बने। क्यूसी ये करता है कि जो प्रोडक्ट बन गया है उसको इंस्पेक्ट करता है, उसकी टेस्टिंग करता है कि कहीं उसमें तो कोई कोई डिफेक्ट नहीं है। क्या क्यूसी और क्यूए एक है? बिल्कुल नहीं। अब तक जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि क्यूए और क्यूसी बहुत ही डिफरेंट है। क्यूए प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्यूसी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। क्यूए प्रोएक्टिव होता है, क्यूसी रिएक्टिव होता है। क्यूए स्टाफ फंक्शन है, क्यूसी लाइन फंक्शन होता है। ट्रेनिंग देता है, क्यूए ट्रेनिंग पे फोकस रखता है। क्यूसी चेक पॉइंट रिव्यू करता है। क्यूए सिलेक्शन ऑफ टूल्स है, क्यूसी इंस्पेक्शन है। डिफाइनिंग प्रोसेस करता है क्यूए, टेस्टिंग करता है क्यूसी। क्वालिटी ऑडिट्स से अपनी अपनी क्वालिटी को इंश्योर करता है क्यूए, क्यूसी करता है चेकिंग से। इसका 1950 में क्यूए आया, क्यूए का इस क्यूए पर्दे पर आया था। 1920 में क्यूसी आया था। ऑडिट्स क्यूए के अंतर्गत आती है और क्यूसी के अंदर क्यूसी टेस्ट प्रोडक्ट रिपोर्ट्स आती हैं। तो इसको आप स्क्रीन को पॉज करिए, इन चीज़ों को नोट डाउन करिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको क्विक रिवाइज करा देगी क्यूए और क्यूसी में। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने अपने प्रोसेसेस को डिफेक्ट फ्री जनरेट कर दिया है, हमने ये इंश्योर कर लिया है कि प्रोसेस से हमारा कोई डिफेक्ट नहीं ना बने, तो क्यूसी की क्या जरूरत है? तो हम जब हमने अपना प्रोसेस इंश्योर कर लिया कि उससे कोई डिफेक्ट नहीं बन सकता, तो हम अपने बने हुए प्रोडक्ट को क्यों इंस्पेक्ट करें, क्यों टेस्टिंग करें? तो वो हम इसमें लिंक में जानेंगे कि दोनों के बीच क्या लिंकेज है, वो किस तरह काम करता है। क्यूसी क्या करता है? प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है विद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और क्यूए डिटरमाइंस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। क्यूए क्या करता है? वो प्रॉब्लम क्यों आया उसका रूट कॉज करता है, प्रोसेस में चेंज करता है ताकि ऐसे डिफेक्ट कभी भी फ्यूचर में जनरेट ना हो। क्यूसी क्या करता है? क्यूसी डिफेक्ट का फीडबैक देता है क्यूए पर्सन को, जिससे कि प्रॉब्लम प्रोसेस में है या सिस्टम में है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम की पता कराता है क्यूए पर्सन और उसको खत्म करता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज हमारे डेवलपमेंट फेस में नहीं हो पाती है, जो कि क्यूए क्यूए से बाईपास हो जाती है, या क्यूए ने जो प्रोसेस किया होता है वो फूल प्रूफिंग नहीं होता है, वो किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम जन मिस हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम हमें क्यूसी पकड़ता है, क्यूसी फिर क्यूए पर्सन को बताएगा, वो उसमें फूल प्रूफिंग करता है कि हमें ये डिफेक्ट आगे ना हो। तो हम अब आपने अभी यहाँ पे दो तीन नए वर्ड सुने होंगे, फूल प्रूफिंग, हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ों को मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा कि फूल प्रूफिंग क्या है, हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब मैं बताऊँगा। आज हमने सीखा क्यूए और क्यूसी, तो
जो मैंने वो टेबल बनाई थी, उस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप सो कि आज का जो मेरा सेशन था वो आपके लिए कुछ नया सिखा के गया होगा, कुछ नया बता के गया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मुझे मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें मेरे को क्या चीज़ है जो आपके समझ में अगर कुछ नहीं आई है, कोई डाउट रह गया है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मैं आपको आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इंडस्ट्रियल नॉलेज।